अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा खास है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कलवंजी का कावा और अदरक का कावा किस तरह बनाते हैं, उसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस से कैसे निजात मिलती है और उस कावे के मुतअद्दद दिगर और क्या फ़ायदे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक हदीस सुना दूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कलवंजी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, इनमें सवाए मौत के हर बीमारी का इलाज है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें इस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि यह हदीस सुनकर गैर मुसलमानों ने भी इस पर तहकीक की और उनको इस पर कामयाबी हासिल हुई, इसीलिए हमें कलवंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अदरक के कावे के बहुत से फ़ायदे हैं, जो कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह को ख़त्म करता है, जो कि मौसम सरमा में लगती है। कोरोना वायरस की ये एक आम अलामत है कि इसमें नज़ला, ज़ुकाम और खांसी बुखार हो जाता है, जो कि अदरक के कावे से बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों अदरक एक हमागीर सुपर फूड है जो सेहत के फ़ायद से माला माल है, लेकिन ये हमागीर सुपर फूड इस वक्त ज़्यादा अहम हो जाता है जब आप बुखार में मुबतला हों या किसी वायरस में भी मुबतला हों। अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करते हैं तो ये किसी भी सुपर फूड से कम नहीं। अदरक में कुव्वते मुदाफत को बढ़ाने और एंटीबायोटिक खसूसियात पाई जाती हैं, जो वायरस से और बुखार से आराम देती हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अगर कुव्वते मुदाफत तेज़ होगी, ज़्यादा होगी, तो हम पर वायरस असर नहीं करेगा। अदरक का कावा और बहुत सी बीमारियों के लिए इलाज है। इसी तरह इसमें एक चम्मच लीमू का रस भी डाला जाएगा, जो कि वायरस के लिए बेहतरीन है, और एक चाय का चम्मच शहद डाला जाएगा। इन तमाम चीज़ों के फ़ायदे पर मैंने पहले वीडियोस बना दी हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर जाके उनके फ़ायदे अलग अलग देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका कावा बनाना कैसे है। दोस्तों 2 कप पानी को उबलने के लिए रख दें, उसमें 1 चम्मच कलवंजी का डाल दें, 1 इंच ताज़ा अदरक का टुकड़ा उसमें डाल दें, 1 चाय का चम्मच लीमू का ताज़ा रस वो भी डाल दें उसमें, और 1 चाय का चम्मच शहद डालना है। अगर शहद नहीं है तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से यही आपको कहूंगा कि आप शहद का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सुन्नत भी है। इन तमाम चीज़ों को एक बर्तन में डालकर ऊपर से बर्तन को ढांप दें। जब वो पानी 1 कप रह जाएगा तो उतार कर उसको छान लें और उसको दिन में 2 बार इस्तेमाल लाजमी करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सर्दी में जब आप कुव्वते मुदाफ़त के निज़ाम को मजबूत करना चाहते हों या विटामिन की मकदार को बढ़ाने या सर्दी को कम करना चाहते हों तो अदरक का लजीज कावा पी लिया करें। दोस्तों ये थी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा खास वीडियो। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इस तरह की और वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में।